अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी प्लाज़ो का। आजकल बहुत फैशन है, ये देखें ये प्लाज़ो, इसका आजकल बहुत फैशन है, ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। मैं ये कि फंक्शंस का लगा लेंगे, आम रूटीन में भी शॉर्ट शर्ट के साथ या लॉन्ग कुर्ती के साथ बच्चियाँ बहुत पहनती हैं। तो इसकी कटिंग मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये सिल्क फैब्रिक है, सिल्क में लिए, इसके ऊपर ये छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इसका बर जो था वो कम था, इसलिए मैंने इसको इसके लिए जो कपड़ा लिया है वो 3.5 मीटर लिया है। तो अगर आपके कुर्ते का बर ज़्यादा है और उस पर कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं हुई हुई है और वो एक ही जैसा है प्लेन में है, तो आपका 2.5 से 3 में भी बन सकता है, कपड़े के बर के ऊपर डिपेंड करता है। नीचे ही मैंने छोटी छोटी लेस अटैच कर दी है, तो चलिए इसी कटिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कपड़े को मैंने ये इसकी जो लेंथ है कपड़े की, ये कपड़े को इस तरीके से हम लोग डबल फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड कर लेंगे और ट्रायंगल बना देंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद सबसे पहले यहाँ से हम लोग इसकी मेजरमेंट लेंगे। अच्छा, मुझे तैयार जो चाहिए 40 इंचेस तैयार चाहिए, लेकिन 2 इंचेस में बेल्ट आएगा तो हम लोग 38 इंचेस, मुझे नीचे का जो फ्लैपर है वो तैयार चाहिए। तो सबसे पहले वेस्ट जो मेरी बेटी की है वो 30 इंचेस है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं 32 के हिसाब से थोड़ा सा लूज ही रखूँगी, बच्चे क्योंकि ग्रोइंग एज है, तो मैं 32 जो उसका हिप साइज है उसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ में तैयार करूँगी। 32 को हम लोग 4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 8 इंचेस। सबसे पहले हम लोग 8 इंच पर मार्किंग करेंगे, यहाँ से यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे 8 इंच पर और यहाँ पर भी लगा लेंगे। तो अब हम इसकी इस तरीके से ये लूजिंग की इसके मैंने बीच में ही रखनी है, तकरीबन ये मेरा बन जाएगा 8.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से टिप से अगर हम नापते हैं तो ये तकरीबन 11.5 इंच बनते हैं, 11.5 इंच, और इस तरीके से अब हम लोग 11.5 इंच पर निशान लगाते जाएंगे। टिप से आपने इसको गोल गोल घुमाते जाना है, 11.5 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अच्छा जी, अब इसको हम लोग शेप दे देंगे। अब इसके बाद हम लोग यहां से 2 इंच को छोड़ के, 2 इंच का बेल्ट होगा उसको छोड़ के हम लोग क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। तो ये मुझे 12.5 इंच चाहिए, तो मैं 12.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ से 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाऊंगी और फिर इस निशान को सीधा कर लेंगे। इस निशान को हम इस तरीके से शेप दे लेंगे, यहाँ से हल्की सी गोलाई कर लेंगे। ये करने के बाद मैं अब इसकी लेंथ लूंगी, इसकी लेंथ नापेंगे अब हम लोग। चलिए, ये हमारा 38 इंचेस है। फोल्डिंग इसकी मैं अलग से कपड़े के साथ करूंगी। अगर आपने इसी में से फोल्ड करना है तो 2 इंच कम से कम जो है इसकी चौड़ाई रखनी है आपने, 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है आपने। 38 इंचेस पर अब मैं निशान लगाऊंगी यहाँ से। अच्छा जी, जो बॉडी का से हमने नीचे जो निशान लगाया था 38 इंचेस पर, वहाँ पर जो है मैंने मार्क कर लिया था, लेकिन अब मैंने टिप से जो है मैं लगा रही हूँ ताकि एक जैसा निशान आए। ये टिप से लेके यहाँ तक जो 38 पर जो मैंने निशान लगाया था वहाँ तक ये टोटल बनता है 49। अब 49 पर मैं गोलाई में जैसे हम लोग अम्ब्रेला फ्रॉक कट करते हैं उस तरीके से मार्किंग करती जाऊँगी गोलाई में, और जो नीचे हमारा जो फैब्रिक रह गया है छोटा रह गया है जो, वहाँ पर हम लोग जोड़ डाल लेंगे और जो है फिर हम इसकी गोलाई में शेप दे लेंगे। ताकि सिल्क है थोड़ा सा, इस पर शेप देना थोड़ा मुश्किल होता है, फिसलती रहती है ये, तो आहिस्ता आहिस्ता आपने जो आप मार्किंग की है वहाँ पर अब मैं निशान लगा लूँगी
ताकि कटिंग हमारी परफेक्ट हो बिल्कुल। नीचे जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम लोग जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा कटिंग से निकलेगा वहाँ से हम लोग यहाँ पर जोड़ डाल लेंगे। अच्छा जी, मार्किंग के बाद, मार्किंग के ऊपर से ही मैंने कटिंग कर ली है। अब हम लोग जो फैब्रिक नीचे से उतरा है इससे हम लोग नीचे जोड़ डाल लेंगे। नज़र नहीं आता है नीचे जोड़ लगा हुआ, बिल्कुल भी पहना हुआ नज़र नहीं आएगा। तो अब हम लोग इसकी कटिंग करेंगे जोड़ लगा कर। जोड़ लगाने के लिए जो इसके साइड पे जो एक्स्ट्रा होता है ना सिल्क, जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी नहीं होती है, इसको मैं निकाल दूंगी ताकि बुरा ना लगे। वो फिर बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा इसमें एम्ब्रॉयडरी में इसकी वजह से। अच्छा जी, अब इस पीस को नीचे रख के जो है इसको हम लोग जो पहले से राउंड में कटिंग हुई हुई है उसके साथ साथ कटिंग कर लेंगे। और ये नीचे से कटिंग हमारी हो गई है। अब हम लोग ऊपर से जो हमने मार्किंग की हुई थी बॉडी की, वेस्ट की और क्रोच एरिया की, उसी कटिंग कर लेंगे। अच्छा जी, प्लाजो हमारा बन के रेडी हो गया। ये देखें इसका घेर काफ़ी ज़्यादा है इसमें वीडियो में, आई थिंक आप लोगों को पता नहीं पूरा नज़र आएगा भी कि नहीं। ये गोटा मैंने लगा दिया था नीचे दो तरह का, एक थोड़ा चौड़ा है और एक जो है ये मिरर वाला जो आजकल काफ़ी इन है मल्टी कलर में, ये मैंने चारों तरफ लगा दिए। ये देखें जी हमारा जोड़ है, ये जोड़ है। शायद आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा, लेकिन पहना हुआ बिल्कुल नज़र नहीं आता है। अच्छा माजरत, मैं बेल्ट की जो है वीडियो की कटिंग करना जो है बीच में डालना भूल गई थी, या शायद कैमरा ऑफ हो गया था, मुझे पता नहीं लगा था। तो ये 4 इंच का टोटल मैंने जो है ये पीस लिया था, 4.5 इंच का ऊपर का, और उसको जस्ट डबल फोल्ड करके मैंने पहले सिंगल लगाया है, फिर उसको 2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके ये 2 इंच का जो है ये जस्ट ऊपर मैंने बेल्ट लगा दिया था। ये मैं वीडियो डालना भूल गई थी। और इसकी वेस्ट के हिसाब से इसके अंदर मैंने इलास्टिक अटैच कर दिया था। ये देखें जी, ये इसका क्रॉच एरिया है, ये स्टिच होके 12.5 इंच टीनेज बच्चों के लिए बेस्ट रहता है। बहुत ज़्यादा बड़ा भी बुरा लगता है, फिर वो लटका हुआ उसकी शेप नहीं आती है। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। आप लोगों को आई होप पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, कोई कमी बेशी हो तो वो भी ज़रूर कमेंट करके बताया करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।